स्वागत है आप सभी का ना मेरे आज के ब्लॉग में। तो दीदी आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुम ब्लॉग बना रहे हो तो वहीं जा रहे होगे डिफरेंट से मिलने। डिफरेंट इम्प्रेस हो जाएगा। लड़की है क्या वो? हम निकल चुके हैं और मम्मी भी आज साथ में है। मम्मी और हाय बोलो दर्शकों को। तो डिफेंस मेरे से ना बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। आज देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मम्मी पैसे लिए हो तो मम्मी ने ना पैसे भी ले लिए थोड़े से। उसके लिए ना हम जाके बिस्किट खरीदेंगे और दे देंगे। अभी ना मैं मम्मी को ना डिफेंस से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। आ जाओ इधर आओ। अरे डिफरेंट, स्टॉप स्टॉप। मैं भागता हूँ तो ये भी भाग जाता है। डिफरेंट बिस्किट लगा, बिस्किट ले इधर। तो हम ना इस अपार्टमेंट में क्यों आए थे आपको पता है? सारा सामान सब ले जाने के लिए वहाँ से, सारा सब कलेक्ट कर लिया। अब लास्ट बार डिफरेंट को बाय बोल रहा हूँ। बाय 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 डिफरेंट, बाय बाय। तुमसे अब कभी परसों तरसों मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, ओके? यहाँ पे हमारा न्यू बेड आ गया है, अच्छा वाला। ये सेट कब तक हो जाएगा अंकल? एक घंटे में? वाह मम्मी आप तो थक गए अच्छे से। भाई शाम में ना घर आ करके मैं अच्छे से साइकिल चलाया और अच्छे से ना नहा भी लिया, इसलिए मेरा कपड़ा पूरा चेंज हो गया है। और मम्मी यहाँ पे ना चिल्ला बना रही, चिल्ला जो मैं अपने पिल्ला को खिलाऊंगा जब आएगा। तो जब आएगा तब ना। मम्मी ने जाके ना पापा का पूरा माइंड नेगेटिविटी से भर दिया कि पिल्ला घर में नहीं आना चाहिए, गंदा करेगा, वो बेड पे चढ़ जाएगा, पटी कर देगा। जी भाई यार मम्मी की वजह से नहीं आ रहा घर में। आज का व्लॉग मेरे को पता है कि बस इस व्लॉग में ना बस कुत्ता ही कुत्ता है, कुत्ता ही कुत्ता है। जब तक मेरे घर में कुत्ता नहीं आएगा ना तब तक मैं ना आपको ना पनिशमेंट देता हूँ। बस कभी भी मैं जब व्लॉग बनाऊंगा ना तब आपको कुत्ता का शक्ल तो हमेशा दिखाऊंगा। देखो आपने कल रात का तो व्लॉग जितना भी है देख ही लिया होगा, ठीक है ना? अभी सुबह हो गया है, मैं सुबह से कैमरा पकड़ना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है? तो मैं अभी खाना खा लिया था और नहा भी लिया था। तो खाने खाते टाइम ना मम्मी मेरे को बोलती है, ठीक है, अरे तू भाई है क्या, हमेशा कुछ ना कुछ दबाता ही रहता है। तो ऐसा क्यों बोलती है मम्मी पता नहीं मुझे। आज ना मैंने 4 बार रोटी ले लिया था। तो आज मम्मी ने बनाया था भिंडी और ये दलिया बनाया था जो मैंने खाया नहीं, अभी जस्ट खाऊंगा, ठीक है? और यहाँ पे है, बाप रे तोरी है। ये जो तोरी का सब्जी है ना ये मेरे बाबा को बहुत पसंद है। और आपको पता है ये जो आप कमेंट में जो लिख देते हैं ना कि ऋषभ भैया को तुम हनी क्यों बुलाते हो, इसलिए ना हम दोनों में ना लड़ाई हो गई थी कि लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई देखो हमारा ना जन्म सहित अधिकार है। मम्मी ने ना बोला था कि हमेशा दीदी बुलाना, तो मेरा जो बचपन से जो अभ्यास लगा वो लग ही गया। और हनी पे ना मैंने ये फॉलो किया ही नहीं तो मैं हनी हनी बुलाता हूँ। और आप ना बीच में ना फंसा दिए मत बनो, ठीक है ना? लड़ाई लगवा दिए थे आप, परसों तरसों ना लड़ाई हो गया था हमारे में। कमेंट में भी लोग हमारे लिख देता है कि ऋषभ भैया को हनी मत बुलाओ। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बता दीजिए क्या? मुझे ना दीदी बोलती है कि ना मेरे ना लीची रहने दे जो पापा लाते हैं। तो दीदी तू खा क्यों नहीं लेती है? दीदी खाती नहीं है, 2-3 दिन पड़ा रहता फिर मैं तो खा लेता हूँ। चाहते आज फिर पापा को जाके बोलती है पापा सारा लीची खा गया। थोड़ा सा अपने हिस्से में बांट लो, ऐसा करते हैं ये हमने रख देते हैं, खाना तो खा ले, ठीक है ना? सब निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अच्छा लगता है। अरे यार मैं सोचती हूँ अब खाऊंगी अब खाऊंगी अब खाऊंगी, जब तक मूड बनाती हूँ खाने के लिए तब तक सब खत्म। अच्छा अभी इसको ना डस्टबिन में रख देते हैं वरना ना मम्मी मारेगी।